दोस्तों, माता का चमत्कार निराला है और उनकी कृपा उनके भक्तों पर सदैव बरसती है। अपने भक्त पर संकट आने पर माता उसे बचाने दौड़ी चली आती है। एक ऐसी ही सच्ची घटना हुई माता के एक भक्त पर, जिसकी कथा आज हम आपको बताने वाले हैं। ये कथा है एक बादशाह की, जिसने पहले माँ के चमत्कार पर शक किया, फिर हार मान के माता के दरबार में माफ़ी मांगने आया। ये घटना है 1500 से 1600 के बीच की, जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। तब हिमाचल के नांदो गांव का एक रहने वाला व्यक्ति माता का एक भक्त ध्यानु था। एक बार 1000 यात्रियों के साथ वह माता के दर्शन के लिए जा रहा था। अकबर के सिपाहियों ने इतने लोगों को जाता देख चांदनी चौक पर सभी यात्रियों को रोक दिया और अकबर के सामने माता के उस ध्यानु भक्त को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ज्वाला माँ के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वो भी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। इस पर अकबर ने कहा, ये ज्वाला माता कौन है और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, बादशाह, ज्वाला माता संसार का पालन करने वाली शक्ति है। वे भक्तों की हर इच्छा को पूरा करती है। हम हर वर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर वो तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो तुम्हारी उसकी इबादत करने का क्या फ़ायदा? इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन काट देते हैं। तुम अपनी देवी माँ से कहकर उसे तुरंत जिंदा करवा लेना। उस वक्त ध्यानु भक्त को कोई भी उपाय ना आया तो उसने अकबर को कहा कि 1 महीने तक घोड़े के सर को घोड़े के पास रहने दीजिए। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त माता के दरबार में जाकर उपस्थित हुआ। उसने स्नान किया और पूरी रात माता का जागरण किया। सुबह आरती के समय ध्यानु भक्त ने माता से प्रार्थना की, हे माँ, आप अंतर्यामी हो, बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा से जीवित कर दो। ये कहते ही माता ने उसके घोड़े को दोबारा से जिंदा कर दिया और बादशाह ये सब देखकर हैरान हो गया। उसी समय उसने अपनी सेना बुलाई और मंदिर की तरफ निकल पड़ा। जब बादशाह ने वहां पहुंचकर माता की ज्योति बिना तेल के जलते देखी तो बादशाह को माता की महिमा और माता की शक्ति पर विश्वास हुआ। फिर बादशाह ने 50 किलो सोने का छत्र माता को चढ़ाया, लेकिन माता ने उसे कबूल नहीं किया। फिर वह छत्र धरती पर गिरकर काला पड़ गया। वो आज भी आप वहां देख सकते हैं। दोस्तों, ज्वाला देवी माता के दरबार में 11 जगहों पर बिना तेल के, बिना घी के ज्योति हजारों सालों से जलती आ रही है। वो अंग्रेजों के द्वारा इस खोज के वैज्ञानिकों ने भी इसे खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे, पर उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो देखा आपने, जहां से हमारी समझ खत्म होती है वहां से देवी माता का चमत्कार शुरू होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।